हेलो दोस्तों, मैं पिंटू सैनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन फिट एंड हेल्दी। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य ही आप सभी को फिट रखना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप चाहे कितने भी पतले क्यों ना हो, आपने अब तक बहुत से नुस्खे आजमा लिए पर फिर भी अगर आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है तो आप बिल्कुल भी मायूस ना हो। क्योंकि क्या होता है, जब आपका वज़न नहीं बढ़ पा रहा होता है तो आप टेंशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आपका वज़न बढ़ भी जाता तो वो भी नहीं बढ़ पाता, क्योंकि टेंशन में कभी भी शरीर ग्रो नहीं करता है। इसलिए आप टेंशन ना लें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किशमिश को आप किस तरीके से खाकर अपना वज़न बढ़ा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, किशमिश के बहुत फ़ायदे होते हैं खाने के, पर उन फ़ायदों के बारे में हमने एक अलग वीडियो में बात किया, आप उस वीडियो को इसके बाद में देख लेना। बात करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, किशमिश जो बनती है वो आपके अंगूरों से ही बनती है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इतने फ़ायदे इसके होते हैं और अगर आप इसे डेली यूज करते हैं तो आपके शरीर को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, काफ़ी विटामिन्स भी इससे मिल जाते हैं। तो ये आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है, आपके शरीर में ताकत बनी रहती है, फुर्ती आपके शरीर में आती रहती है। तो अब हम बात करते हैं कि किशमिश को आपको किस तरीके से खाना है जिससे कि आपका वेट बहुत ही जल्दी से बढ़े। कि किशमिश को आपको भिगो कर रख देना है, आपको किशमिश डायरेक्ट ऐसे ही नहीं खानी है। सबसे अच्छा तरीका होता है किशमिश को खाने का, किशमिश को आपको रात में पानी में भिगो कर रख देना है। अब जब आप उसे पानी में भिगो कर रख देंगे और आप उसे सुबह को देखेंगे तो वो काफ़ी मोटी हो चुकी होंगी, क्योंकि वो पानी वो फूल कर बिल्कुल अंगूर की तरह ही दिखने लगती हैं। अब आपको उन्हें चबा चबा कर आराम से खाना है, एक जल्दी नहीं करनी है खाने में, जितना आप चबा कर खाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो आप उन्हें चबा कर खाएँ। और दूसरी बात, आपको एक गिलास दूध का लेना है। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप जल्दी वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक की जगह दो गिलास पी लीजिए। आप जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ही जल्दी आपका वेट गेन होगा, तो इसलिए आप एक गिलास पी सकते हैं, एक गिलास पिए, अगर दो गिलास भी ले सकते हैं तो दो गिलास भी पी सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने अगर एक गिलास कह दिया तो आप एक गिलास ही पिए। जितनी कैलोरी आपके शरीर में जाएगी उतना ही जल्दी आपका वेट गेन होगा और उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए सीधा सा फंडा जो होता है कैलोरी का होता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करें। तो दूध भी अगर आप दो गिलास पी सकते हैं तो दो गिलास पिएं। किशमिश आप जितने डाइजेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा खाने से भी डाइजेशन पर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए आप ज़्यादा ना खाएँ पर इतनी कम भी ना खाएँ कि कुछ फ़ायदा ना हो। तो आप देख लें, आप एक कटोरी में रख दें, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और दूसरी बात, आपको दूध ठंडा नहीं लेना है। आप ऐसा मत करना कि ठंडा गिलास लिया है, दूध ठंडा है या कच्चा है, आपको दूध को अच्छे से पकाना है। दोस्तों, दूध आपको गर्म ही लेना है, ठंडा दूध ना लें, क्योंकि गर्म दूध पीने के बाद आपको बहुत फ़ायदे होंगे। तो आप जब किशमिश खा लें उसके बाद आपको वो गर्म दूध पीना है, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। यकीन मानिए, आप वो एक महीने तक इसे आजमा लीजिए, क्योंकि एकदम से तो रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए कम से कम 1 मंथ तो इसे आप ट्राई कीजिए। उसके बाद आप देखना आपके शरीर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपका वज़न अच्छे से बढ़ने लगेगा, आप अपने शरीर में फ़र्क देखने लगेंगे। दोस्तों, बहुत ही अच्छा नुस्खा है ये, आपको इसी तरीके से इसे 1 मंथ तक ट्राई करना है और उसके बाद आप बताना किस तरीके से इसने आपको फ़ायदा किया। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।